हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्रिल विद गिल्स। आज हम बनाएंगे कटोरी चाट, तो चलो स्टार्ट करते हैं। कटोरी चाट बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए उसमें है एडेबल कटोरी, हाफ कटा हुआ प्याज, दो चाहिए हमें बॉइल्ड पोटैटो जिनको डाइस कर लिया है मैंने, 250 ग्राम दही जिसमें मैंने 3 चम्मच चीनी डाल रखी है, 1/4 कप हमें चाहिए सेव, ये है दही वड़ा जिसको मैंने छोटे पीसेस में बनाया है और इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, 1/4 कप हमें चाहिए बूंदी, इमली की चटनी, हरी चटनी, चाट मसाला, स्वीट पेपरिका, जीरा पाउडर और नमक एज पर टेस्ट। तो पहले मैं आपको कटोरी बनाना सिखा देती हूँ। तो सबसे पहले चीनी वाले दही में हम डालेंगे अपने वड़े, क्योंकि ये जब तक हम अपनी कटोरी चाट बनाएंगे ये दही को सोक कर लेंगे। ये छोटे साइज में बहुत अच्छे लगते हैं, सो इसलिए मैंने छोटे साइज में ही बनाए हैं। अब इसे डिप करके साइड में रख देते हैं और तब तक हम बना लेते हैं अपनी कटोरी। कटोरी चाट की कटोरी बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए उसमें है 1.5 कप मैदा, 2 चम्मच ऑयल, 1/2 चम्मच हमें चाहिए नमक और पानी एज रिक्वायर्ड। तो चलो पहले डो लगा लेते हैं। तो डो लगाने के लिए मैंने एक बोल ले लिया है, इसमें डालेंगे हम मैदा, साथ में डालेंगे नमक और ऑयल, और मैंने गरम ऑयल डाला है इसमें। अब इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसकी एक शेप होल्ड करके देखेंगे हम। अगर ऐसी शेप आ रही है इसका मतलब जो आपने इंग्रेडिएंट्स डाले हैं वो परफेक्ट हैं। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर सेमी सॉफ्ट डो लगा लेंगे। ज़्यादा पानी एकदम से नहीं डालना क्योंकि सेमी सॉफ्ट डो लगाना है हमें। अगर आप ज़्यादा पानी डालोगे तो आपका जो डो है वो सॉफ्ट हो सकता है। थोड़ा सॉल्ट डालेंगे, तो मैंने सेमी सॉफ्ट डो लगा लिया है ये देखिए। अब इसे एक मलमल के कपड़े के साथ हम ढककर रख देंगे 20 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए, और उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे अपनी कटोरी बनाना। डो को रेस्ट करते हुए 20 मिनट हो गए हैं, तो चलो चेक कर लेते हैं। और ये पहले से काफ़ी बेटर हो गया है। अब इसे 5 मिनट तक हम और नीड करेंगे, हल्के हाथों से ही नीड करेंगे। तो इसे नीड करते हुए मुझे 5 मिनट हो गए हैं, तो चलो अब कटोरी बनाना स्टार्ट करते हैं। अब डो को मैंने सिलेंडर शेप में रोल कर लिया है। अब इसे इक्वल 4 हिस्सों में हम बांट लेंगे। एक हिस्से को हम अपने पास रखेंगे और 3 हिस्सों को रखेंगे इसमें, और साथ में इसे कवर कर देंगे कपड़े के साथ। इसको हम रोल करेंगे ऐसे और इसे फिर बेलना स्टार्ट करेंगे। और बेलने से पहले मैंने एक पैन में ऑयल ले लिया है और गैस कर दी है मीडियम टू हाई ऑन, और जब तक ये गर्म होता है हम अपनी कटोरी बना लेते हैं। अब मैंने इसे इतना पतला बेल लिया है ये देखिए। अब इसमें फोक की हेल्प से पोक करेंगे। पोक करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगर आप पोक नहीं करोगे तो ये जब हम इसे फ्राई करेंगे तो ये फूल जाएगा, तो वैसा हमें नहीं चाहिए। तो मैंने इसे पोक कर लिया है अच्छे से। अब एक कटोरी लेंगे स्टील की, इसको रखेंगे इसके नीचे ऐसे, और इसको रखेंगे इसके ऊपर ऐसे। अब इसे उठाकर ऐसे रैप करेंगे। अच्छे से करना है। जब आप इसे अच्छे से फोल्ड कर लें उसके बाद एक नाइफ की हेल्प से आप इसे उतार दें जो एक्स्ट्रा है। ये देखिए हमारी कटोरी बनके रेडी है और इसे हम फ्राई करेंगे। अब जब तक हमारा तेल गर्म हो रहा है हम दूसरी कटोरियाँ भी बना के रख लेते हैं।
तो हमारा ऑयल गर्म हो गया है, अब इसमें डाल देते हैं कटोरी को और इसे गर्म होने देंगे। और जैसे ही ये फ्राई होगी ये कटोरी अपने आप बाहर आ जाएगी स्टील वाली। ये देखिए ये बाहर निकलनी स्टार्ट हो गई है। ये देखिए और इसे गोल्डन ब्राउन होने तक हम इसमें फ्राई करेंगे। अब ये देखिए मैंने इसे फ्लिप कर लिया है, अब नीचे से भी इसे पका लेंगे अच्छे से। और गैस हमारी मीडियम टू हाई होनी चाहिए, बिल्कुल हाई पे नहीं रखनी। नीचे वाला हिस्सा अच्छे से पक जाए तो आप इसको अंदर ना रखें, ऐसे ही इसको इसके ऊपर रखें, छन्नी के ऊपर रखें, तेल इसमें रखें। इससे क्या होगा, अंदर वाला हिस्सा अच्छे से पक जाएगा, क्योंकि अगर आप इसमें तेल में पकाएंगे तो नीचे वाला जो हिस्सा है वो जल जाएगा। थोड़ा सा इसे रखेंगे, फिर से उठाएंगे और इसी तरह से इसे ब्राउन कर लेंगे। तो मैंने कटोरी में से अंदर से भी तेल निकाल दिया है, क्योंकि ये अंदर से भी अच्छे से पक गई है। अब इसे रख देंगे एक प्लेट में और जो हमारी बाकी कटोरियाँ हैं उन्हें भी बना लेती हैं। तो मैं दूसरी कटोरी को भी सेम उसी वे से फ्राई कर रही हूँ। थोड़ा सा तेल इसके अंदर रखा है और इसे डीप फ्राई कर लेंगे, लेकिन साथ साथ में इसे हिलाते रहें ताकि ये चारों तरफ से अच्छे से फ्राई हो। तो हमारी दूसरी कटोरी भी फ्राई हो गई है। अब इसी तरह से हम बाकी की बची दो कटोरियां भी बना लेते हैं, फिर बनाएंगे हम कटोरी चाट। तो हमारी कटोरियां बनके रेडी हैं, तो चलो चाट बनाना स्टार्ट करते हैं। कटोरी में डालेंगे पहले पोटैटोस को। इससे क्या होगा कि जो हमारी कटोरी है वो सॉगी नहीं होगी, क्योंकि नीचे पोटैटोस पड़े हैं। अब डालेंगे सेव, थोड़ा सा डालेंगे क्योंकि ऊपर भी डालना है। अब डालेंगे बूंदी को। हम ऐसे डालेंगे सारी चीज़ें कि सबका टेस्ट हमारे मुंह में आए जब हम खाएं इसे। अनियन, अब डालेंगे दही वड़ा को। अब इसके ऊपर डालेंगे इमली की चटनी। अब डालेंगे हरी चटनी। अब डालेंगे नमक, स्वीट पेपरिका, इससे कलर अच्छा आएगा, जीरा पाउडर और चाट मसाला। अब इसके ऊपर डालेंगे सेव, बूंदी को, अनियंस, थोड़े से पोटैटोस, फिर थोड़ी सी चटनी डालेंगे इसके ऊपर। हरी चटनी, क्योंकि सारी चीज़ें जब हम रेपिटेशन में डालेंगे तो सबका टेस्ट आएगा, एकदम से डाल देंगे तो सबका टेस्ट अच्छे से नहीं आएगा। थोड़े से मसाले फिर से, और ये देखिए हमारी कटोरी चाट बनके रेडी है। तो ये देखिए फ्रेंड्स हमारी कटोरी चाट बनके रेडी, और आपने देखा इसे बनाना कितना आसान है और बहुत ही यम्मी बनी है। मेरा तो अभी खाने का मन कर रहा है इसे। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, अपने बच्चों के साथ, फैमिली के साथ मिलके इसे बनाएं, खाएं और मज़े करें।
तो फ्रेंड्स देखा आपने कितनी यम्मी लग रही थी हमारी कटोरी चाट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आपकी रेसिपी कैसी लगी। और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।